बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, उसमें यूज करेंगे। डेली यूज के सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं कि बनावटी सेंटेंसेस, अपनी रियल लाइफ में जो हम बातचीत करते हैं फीलिंग भर भर के। जैसे कि तुम रोज पूरे घर की धुलाई क्यों करती हो? हमारा घर है ही हाईवे पे, तो धूल तो आएगी ही आएगी, कभी आराम भी कर लिया करो। अब इसमें क्या हो रहा है, धूल तो आएगी ही आएगी, हमारा घर है ही हाईवे पर, कुछ फीलिंग्स भर रहे हैं हम इन सेंटेंसेस के अंदर, कुछ शब्दों पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। इन शब्दों पर एम्फेसाइज करने के लिए, फीलिंग भरने के लिए सेंटेंस को किस तरीके से नेचुरली फॉर्म करना है, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे सीखेंगे। ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए करना क्या है, बिल्कुल बेसिक सा एक तरीका है। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, 300 सिचुएशंस हो सकती हैं। वो स्ट्रक्चर्स आपको मास्टर करने हैं, समझ लीजिए यू आर डन। यू कैन एक्सप्रेस एनी फीलिंग एंड एक्सप्रेस एनी सिचुएशन इन इंग्लिश विदाउट इवन यूजिंग लिटरल ग्रामर। ग्रामर से नहीं बोली जाती इंग्लिश, वर्ड ऑर्डर का सारा गेम है। तुम रोज पूरे घर की धुलाई क्यों करती हो? आई एम सेइंग इट टू माय वाइफ। मैंने अपनी वाइफ से कहा, तुम रोज पूरे घर की धुलाई क्यों करती हो? सिंपल सी, व्हाई डू यू वॉश द एंटायर हाउस एवरी डे? व्हाई डू यू वॉश The entire house every day. अब समझने वाली बात क्या है, कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, क्या ट्रांसलेशन हम कर देते हैं। मान के चलिए हमने पूरे का एक मतलब समझा हुआ है, होल। Why do you wash the whole house every day? अगर हम कह देंगे तो मैसेज चला जाएगा लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि होल का मतलब हुआ पूरा का पूरा, ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर से हर तरफ से। Why do you wash the whole house every day? लेकिन entire जब हमने कहा तो we are talking about each and every corner, we are talking about the surface here, so why do you wash the entire house every day? अब ये चीज समझ में कैसे आएगी, दोनों में क्या फर्क है? बस एक काम आपको नहीं करना है, ट्रांसलेशन मत करिए, हिंदी से मिलान मत करिए, रियल सिचुएशन में सुनते चले जाइए। अलग अलग सिचुएशन में एंटायर वर्ड सुनेंगे तो समझ आ जाएगा एंटायर वर्ड कौन सी सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है, होल वर्ड कौन सी सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है, तो समझ में आएगा। यू जस्ट नीड टू लिसन टू द इंग्लिश, राइट? सो व्हाई डू यू वॉश द एंटायर हाउस एवरी डे? एक छोटा सा कंफ्यूजन और दूर करिए। देखिए ये एवरी डे है, एक और एवरी डे होता है जिसमें स्पेस नहीं होता बीच में, ये भी एवरी डे है। इन दोनों में फर्क क्या? देखिए ये वाला जो एवरी डे है, स्पेस वाला, ये अलग अलग है। एवरी का मतलब है प्रति और डे का मतलब है दिन। जब कोई काम रोजाना होता है तो वो एवरी डे है। जैसे दो सेंटेंसेस बोल के देखते हैं, चलो डेली यूज की इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स यूज एवरी डे इंग्लिश। जब हमने कहा लेट्स यूज एवरी डे इंग्लिश, यानी कि जनरल रोजाना की, लेट्स यूज एवरीडे सेंटेंसेस, तो ये एवरीडे है, रोजाना का जनरल है। लेकिन अगर मैं यहां पर कहूं मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं, अब मैं अलग अलग दिनों की बात कर रहा हूं, तो आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरीडे, एवरीडे है जो आप अलग अलग दिनों की बात कर रहे हैं। और एवरीडे का अगर कोई चीज है, एवरीडे का कोई चीज है, तो वो जनरल है जो रोजाना इस्तेमाल का है। आई होप समझ में आया होगा दोनों एवरीडे में डिफरेंस क्या है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पता नहीं क्या धोती हो? व्हाई डू यू वॉश द एंटायर हाउस एवरी डे? पता नहीं क्या धोती हो? अब आप यहां पर पता नहीं का मतलब क्या है, आप अपना जब अचरज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरप्राइज है, कंफ्यूज है आप, पता नहीं क्या धोती हो। देखिए अगर इतने शब्द यूज कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा, समझने की कोशिश करिएगा सेंटेंस को सुन के। आई वंडर, अब मैं आश्चर्य जता रहा हूं अपना, आई वंडर व्हाट यू ट्राई टू वॉश अवे। Why do you wash the entire house every day? I wonder what you try to wash away. What you try to wash away? जब हमने साथ में जोड़ दिया तो हमने एक मैसेज क्लियर कर दिया कि समझ नहीं आ रहा है। I wonder ऐसा क्या देख रहा है तुमको घर में, that you want to remove from here. जो यहां से बिल्कुल वैनिश करना चाहती हूँ। What you try to wash away? What you try to wash का मतलब हो गया, मीनिंग थोड़ा सा बदलेगा उसमें। आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वॉश अवे का मतलब हुआ आप एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आई वंडर व्हाट यू ट्राई टू वॉश अवे। तो हमें करना क्या, सिर्फ यही करना है। देखिए मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, सुनते चले जाइए और इनके बेसिस पे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए, खुद से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। हिंदी से मिलान ज़्यादा मत करिए, मैं सिर्फ हिंदी यहाँ पर इसलिए लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं। लोगों ने कहा तो हिंदी लिखने लगा मैं, अभी तुम्हें पूरा घर धोए 20 घंटे भी नहीं हुए और तुम फिर धुलाई पे लग गई। आपको कहना है कि अभी तुम्हें पूरा घर धोए हुए 20 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम फिर से धुलाई पे लग गई। अब करना क्या, शब्दों को काउंट मत करिए, शब्दों को यूज मत करिए। जब समय बता रहे हैं इस काम को करे हुए इतना समय नहीं हुआ है, उस समय को बताने के लिए कितने तरीके से सेंटेंस बोला जा सकता है ये पकड़िएगा इसमें आप। सी, इट्स नॉट इवन बिन 20 आवर्स, इट्स नॉट इवन बिन 20 आवर्स सिंस यू वॉश द हाउस, यानी कि अभी 20 घंटे भी नहीं हुए हैं। इट्स नॉट बिन 20 आवर्स, कब से, सिंस जब तुमने वॉश द हाउस, सिंस यू वॉश द एंटायर हाउस। इट्स नॉट इवन बीन 20 आवर्स सिंस यू लास्ट वॉश द हाउस,
सिंस यू लास्ट वॉश द हाउस का मतलब हो गया जब तुमने लास्ट बार घर धोया था। अब होता है कि कंफ्यूजन हो जाएगा जब हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, जो मैंने कहा इट्स नॉट इवन बीन 20 आवर्स सिंस यू लास्ट वॉश द हाउस, ये इंग्लिश में बोलने का एक नेचुरल तरीका है जब हम एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, आखिरी बार ये काम कब हुआ था। राइट, डू यू रिमेंबर व्हेन वी लास्ट स्पोक, डू यू रिमेंबर व्हेन वी लास्ट हैड ए कॉन्वर्सेशन। लास्ट जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब आखिरी नहीं कह रहे हैं, आखिरी बार कह रहे हैं। राइट, लास्ट वर्ड बार बार सुनेंगे अलग अलग सिचुएशन में तो समझ में आ जाएगा। राइट, उसका मीनिंग हिंदी में निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी में निकालिए। अब इसी चीज को देखिए, ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है, इट्स नॉट इवन बीन 20 आवर्स, 20 घंटे भी नहीं हुए हैं। अब इस चीज को इस तरीके से अगर कहेंगे तो बताइए कोई डिफरेंस आ रहा है? इट्स बेयरली बीन 20 आवर्स, मुश्किल से 20 घंटे हुए, 20 घंटे भी नहीं हुए या मुश्किल से 20 घंटे हुए। इट्स बेयरली बीन 20 आवर्स सिंस यू लास्ट वॉश द हाउस, इस बेयरली की जगह पर आप कह दीजिए इट्स हार्डली बीन 20 आवर्स सिंस यू लास्ट वॉश द हाउस। तो करना क्या है, अब आप सुन सुन के जब आपको ये दो स्ट्रक्चर्स पता चले कि टाइम के लिए ये भी कहा जा सकता है मुश्किल से इतना टाइम हुआ होगा, और ये भी कहा जा सकता है इतना टाइम नहीं हुआ होगा, सिचुएशन के साथ जब कनेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने सेंटेंस अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद आपको एक और सेंटेंस बोलना है तो फिर धुलाई करने लगे, इट्स हार्डली बीन 20 आवर्स सिंस यू लास्ट वॉश द हाउस, तुम फिर धुलाई करने लगे एंड यू स्टार्टेड क्लीनिंग अगेन, एंड यू स्टार्टेड क्लीनिंग अगेन आप कह दीजिए, या फिर आप ऐसे कह दीजिए एंड यू क्लीनिंग अगेन, एंड यू आर क्लीनिंग अगेन, इट्स बेयरली बीन 20 आवर्स सिंस यू लास्ट वॉश द हाउस एंड यू क्लीनिंग अगेन, दोबारा तुम सफाई करने लगी है कर रही हो। तो बिल्कुल शब्दों का मिलान नहीं करना है, सिचुएशन की बात करिए। मान के चलिए आप इमेज बनाइए अपने माइंड में है कि आपकी माताजी या आपकी वाइफ अचानक से आपको सफाई करती हुई दिख रही है, हिंदी में आ गया तुम फिर सफाई करने लगी, यू स्टार्टेड क्लीनिंग अगेन भी कहा जा सकता है, यू क्लीनिंग अगेन। गेटिंग माय पॉइंट, जब आप सिचुएशन से रिलेट करके सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे यू विल फाइंड इट वे टू इजी, बहुत आसान है, क्योंकि एक सिचुएशन को बताने के लिए बहुत ऑल्टरनेट्स हैं, और ऑल्टरनेट हैं कितने आउट ऑफ 300, 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर सिचुएशंस हो ही नहीं सकती हैं। 300 स्ट्रक्चर्स आपने सीख लिए तो उनके बेसिस पे सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। इसके बावजूद तुम्हारे हाथ में पूरा दिन झाड़ू लगी रहती है, यू वॉश द एंटायर हाउस एवरी डे, रोजाना तुम पूरा घर धोती हो, इसके बावजूद तुम्हारे हाथ में पूरा दिन झाड़ू लगी रहती है, इसके बावजूद। देखिए एक चीज और है, एक बार अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 290 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम अपने चैनल पे, सब्सक्राइब करके चैनल को एक्सप्लोर करिएगा। 15-20 वीडियोस अगर आप देखेंगे, 10-10 मिनट के सेशन देख लेंगे तो ट्रांसलेशन की आदत छूटने लगेगी, सिचुएशन में कितने सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस के हम 2-3-4-5 ऑल्टरनेट बताते हैं, इसमें शायद कम बता रहा हूं मैं, तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस को कितने तरीके से फॉर्म करना है, सिचुएशन कैसे पहुंचानी है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, वीडियोस देखिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे, सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब आदत नहीं डालेंगे तो बोलेंगे कैसे, होता क्या है लोग ग्रामर सीखते चले जाते हैं, वीडियोस देख रहे हैं पूरी लिटरल ग्रामर सीख रही है, लेकिन बोलने की बारी आती है तो अटक जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली, आदत बनानी पड़ती है। तो ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पूरा दिन रैंडम टॉपिक्स पे बातें चलती रहती हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने लिखते रहते हैं लोग, अपनी सिचुएशन बता रहे होते हैं, तो हमको पता चलता है इस सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करना है, ऑल्टरनेट पता चलते हैं, कोई बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई एडवांस लिखता है, कोई ईडियम लिख देता है, कोई इसकी जगह फ्रेज यूज कर लेता है, कोई स्लैंग बोल देता है, पता चलता है एक बात को पहुंचाने के लिए कितने ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं इन इंग्लिश। राइट, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, सिर्फ चैटिंग नहीं है, फोन पे आप बात करिए 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा जितनी देर आपके पास टाइम है, फोन पे आप बात करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लेवल पता चलेगा कितना अटक रहे हैं, कितने सेंटेंसेस याद आ रहे हैं, कितने ट्रांसलेट कर रहे हैं, कितने नेचुरली बोल रहे हैं। एटमॉस्फेयर का सारा गेम है वो आपको यहां मिल जाएगा 24/7। और शाम को फिर हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो दिन में जो भी कंफ्यूजन वगैरह रह जाते हैं कॉन्वर्सेशन के, किसी ने कोई सेंटेंस कहीं पे सुना है उसको लेके ग्रामर समझ नहीं आ रही है, कोई सेंटेंस है इडियोमेटिकली बनाना है, एम्फसाइज करना है वर्ड पे, तो उन स्ट्रक्चर्स को वहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, एक्चुअली में लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उनके ऑल्टरनेट समझते हैं। 15-20 दिन नहीं लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, छोटे छोटे डाउट्स माइंड से निकल जाएंगे, सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते, एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू नहीं कर देते तब तक आप हमारे साथ रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे और अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइएगा। इसके बावजूद तुम्हारे हाथ में पूरा दिन झाड़ू लगे रहती है, यानी कि यू वॉश द एंटायर हाउस एवरी डे, पूरा दिन तुम घर धोती हो, इसके बावजूद तुम्हारे हाथ में पूरा दिन झाड़ू लगे रहती है, तो डिस्पाइट
डिस्पाइट मतलब हो गया बावजूद, अब आप समझिएगा इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ अटक क्यों जाते हैं हम। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद सर, डिस्पाइट दैट यू ऑलवेज हैव अ ब्रूम इन योर हैंड ऑल डे, यानी कि हमेशा आपके हाथ में एक झाड़ू होती है, यू ऑलवेज हैव अ ब्रूम इन योर हैंड ऑल डे। लेकिन डिस्पाइट का मतलब जब तक हम बावजूद समझते रहेंगे तब तक हम अटकते रहेंगे। अब फीलिंग को समझिए, यू वॉश द एंटायर हाउस एवरी डे एंड यू स्टिल हैव अ ब्रूम इन योर हैंड ऑल डे, यू स्टिल हैव ए ब्रूम इन योर हैंड ऑल डे। जब आप डिस्पाइट की जगह स्टिल बोलना नहीं सीखेंगे, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, सिचुएशन बताने के समय आपके माइंड में दोनों आने चाहिए तो समझ आएगा। लेकिन अगर आप हिंदी के शब्दों को मिलाएंगे, यहाँ बावजूद कहा है तो हो सकता है कहीं हम हिंदी के सेंटेंस में बावजूद कह रहे हैं लेकिन उस बावजूद का मतलब डिस्पाइट नहीं है, वो किसी और विषय में यूज हो रहा हो। तो हर सेंटेंस को एक्सप्रेस, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, हिंदी के शब्दों से मिलान नहीं करना है। What the point? Now, look at the next sentence. तुम मुझे सनकी लगती हो, तुम मुझे सनकी लगती हो। अब देखिए, तुम मुझे सनकी लगती हो शब्दों को मत मिलाइए, नॉर्मल कह दीजिए यू क्रेजी, यू सीम टू बी क्रेजी, यू सीम टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट क्लीनिंग। देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल कह दिया आपने, यू आर क्रेजी। लेकिन अगर आपको डर लगता है थोड़ा सा पत्नी से तो आप कह सकते हैं यू सीम टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट क्लीनिंग, यू सीम टू बी। समझने वाली कितनी चीजें होती हैं, ये बेसिक रूल्स होते हैं जो समझने चाहिए। सीम टू बी क्यों कह रहे हैं, किसी की अवस्था की बात हो रही है। मान के चलिए कि कोई डॉक्टर, आपको कहीं मीटिंग हुई, किसी से कोई मुलाकात होगी, अचानक से आपको कहना यार आप डॉक्टर जैसे लग रहे हो, या ऐसा लगता है आप डॉक्टर हो। अब आप सिचुएशन है, हिंदी में 100 सेंटेंस आ रहे हैं, आप डॉक्टर जैसे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है आप डॉक्टर हो, मुझे लगता है आप डॉक्टर हो, गेटिंग माई पॉइंट। तो कहने के कितने तरीके हैं, तो टू भी आप लगा के कह सकते हैं। अगर आप ये कह दें यू लुक लाइक ए डॉक्टर तो मजा नहीं आएगा, आप डॉक्टर जैसे लगते हो, आपको कहना पड़ेगा यू सीम टू बी अ डॉक्टर, यानी आप ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। जब भी हम सीम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे होते हैं, यू सीम टू बी अ डॉक्टर यानी डॉक्टर जैसे लग रहे हो, टू बी है होना, ऐसा लगता है तुम डॉक्टर हो, यू सीम टू बी अ डॉक्टर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, सो यू सीम टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट क्लीनिंग, यानी कि इट्स माई ऑब्जर्वेशन। तो अब तुम्हारा घर है ही हाईवे पे तो धूल तो आएगी ही, अब तुम्हारा घर है ही हाईवे पर तो धूल तो आएगी ही। अब ये जो अब तुम्हारा घर है ही हाईवे पर, कई बार रिपीट कर चुके हैं, अगर आपने 10-12 सेशन देखे हैं तो आपने सिंस लगाई दिया होगा मुझसे पहले, सिंस योर हाउस इज वाइड बाय द हाईवे, सिंस योर हाउस इज राइट बाय द हाईवे सो ऑफकोर्स डस्ट विल कम इन। तो ऑफकोर्स तोड़ के बोल दिया आपने सिचुएशन को तीन से, एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि हम एक सेंटेंस सुनते हैं अपने माइंड में सोचते हैं पूरा एक सिचुएशन को एक सेंटेंस से बोलने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी ना, यू कैन ब्रेक डाउन द सिचुएशन, सिचुएशन को तोड़ तोड़ के बोलिए। अब तुम्हारा घर है ही हाईवे पर, सिंस योर हाउस इज राइट बाय द हाईवे, बाय पता है क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सटा हुआ है, लगा हुआ है। मान के चलिए मैं किसी बंदे से कहूं कि आओ मेरे पास बैठो, मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, सिट नियर मी, तो मैंने लोकेशन की बात करी, मैं ये भी कह सकता हूँ सिट बाय मी, मेरे बगल में बैठो, मेरे पास बैठो। तो जो हमारा हाउस है हाईवे से लगा हुआ है, अ हाउस इज राइट बाय द हाईवे। राइट क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल लगा हुआ है इसलिए धूल आ रही है, राइट मतलब है ना, टॉक टू मी राइट नाउ, गिव मी द मनी राइट नाउ, तो घुमा फिरा के रहता वही है। आपको फिर सेंटेंस में फिट करना आ जाना चाहिए, राइट मतलब एम्फेसाइज किया जा रहा है, टॉक टू मी नाउ मुझसे बात करो, टॉक टू मी राइट नाउ मुझसे अभी बात करो, योर हाउस इज बाय द हाईवे, आपका घर हाईवे के किनारे है, योर हाउस इज राइट बाय द हाईवे, आपने एम्फेसाइज कर दिया बिल्कुल हाईवे के किनारे है, योर हाउस इज राइट बाय द हाईवे सो ऑफ कोर्स डस्ट विल कम इन, तो धूल तो आएगी ही आएगी। अब देखिए एक सेंटेंस से अगर ये सारे ऑल्टरनेट एक बार में सुन के कंफ्यूजन हो जाता है तो वो होना ऑब्वियस है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जितना समझ आया सुनिए, नहीं समझ आया आगे बढ़ जाइए, दोबारा अलग सिचुएशन में फिर से सुनेंगे राइट बाय या बाय कहीं और सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा बाय किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, किस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। एक बार में मीनिंग नहीं निकालना है, बाय का मतलब होता क्या है मीनिंग नहीं निकालना, सिचुएशन के हिसाब से समझिए। लुक एट द नेक्स्ट ऑल्टरनेट, आप इस चीज को ऐसे कह दीजिए सिंस योर हाउस इज राइट बाय द हाईवे, आप इस चीज को ऐसे भी कह दीजिए सिंस योर हाउस इज ऑन द हाईवे, सिंस योर हाउस इज ऑन द हाईवे। अब हम ग्रामर लगाएं तो ऑन का मतलब तो सरफेस होता है कि इसके ऊपर, कीप इट ऑन द टेबल, पुट इट ऑन द टेबल, वो एक लेवल होता है बच्चों वाला, 10% इंग्लिश बनती है उससे, लेकिन बेस वही है, वो आपको ऑलरेडी आ गया है। फिर इस प्रकार से जब आप नेचुरली फीलिंग भर के बोलना चाहते हैं तो यू नीड टू लिसन टू द इंग्लिश, सुनना पड़ेगा आपको, सिंस योर हाउस इज राइट बाय द हाईवे इट्स ऑब्वियस दैट डस्ट विल कम इन, वहां पर कह दिया है हमने ऑफ कोर्स डस्ट विल कम इन, या फिर यहां पर हमने कह दिया इट्स ऑब्वियस डस्ट विल कम इन। अब यहां पर
ऑफ कोर्स के साथ इट्स नहीं लगाया, इट्स ऑफ कोर्स नहीं कहा गया है, लेकिन इट्स यहाँ पर लगाया है, इट्स ऑब्वियस दिस विल कम इन, इट्स लगा के हमने अवस्था बता दी है, जैसे कि इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत गर्मी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, इट्स ऑब्वियस, ये निश्चित है, इट्स सर्टेन, ऑब्वियस की जगह आप कह लीजिए इट्स सर्टेन द डस्ट विल कम इन, डस्ट तो आएगी आएगी, सर्टेन का मतलब हो गया बिल्कुल है ही फिक्स, निश्चित है ही है, व्हाट द पॉइंट, तो बार बार सुनना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी का और रिपीटेशन का गेम है, ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा, वो तो एनहेंसमेंट चलता रहेगा लाइफ टाइम, ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन जो बेस है नेचुरली इंग्लिश बोलने के लिए, इट शुडंट टेक मोर देन 2 मंथ्स, 2 महीने से ज्यादा लगने नहीं चाहिए अगर कोई बंदा सच में डेडिकेटेड है और प्रैक्टिस करता है आधा एक घंटा रोजाना तो, लेकिन इतनी नहीं आती कि तुम पूरा दिन सफाई ही करती रहो और कुछ और ना करो, लेकिन जैसे कि सिंस योर हाउस इज राइट बाय द हाईवे, इट्स ऑब्वियस डस्ट विल कम इन, भूल तो आएगी लेकिन इतनी नहीं आती कि तुम पूरे दिन सफाई ही करती रहो और कुछ ना करो। अब देखिए इतनी नहीं आती को मत ट्रांसलेट करिए, सिंपल कहिए बट इट्स नॉट एज मच, बट इट्स नॉट एज मच एज यू कीप क्लीनिंग द हाउस ऑल डे एंड डू नथिंग एल्स, यानी कि इट डजेंट कम एज मच भी कह दे ट्रांसलेट करके तो मैसेज चला जाएगा लेकिन मजा नहीं आएगा, डस्ट डजेंट कम एज मच एज यू कीप क्लीनिंग द हाउस ऑल डे एंड डू नथिंग एल्स, मैसेज तो उससे भी चलाएगा लेकिन नेचुरली आप कहने की कोशिश करिए सिंस योर हाउस इज ऑन द हाईवे इट्स ऑब्वियस डस्ट विल कम इन, बट इट्स नॉट एज मच एज यू कीप क्लीनिंग द हाउस ऑल डे एंड डू नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी ना करो। तो अब यहाँ पर जो हम जिस तरीके से भी सेंटेंसेस को बोल रहे हैं हो क्या रहा है, भले सुनने में बहुत सारे लग रहे हों लेकिन ये 300 ही स्ट्रक्चर्स घूम फिर के बोले जा रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोला जा रहा है, बस उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा रहा है बोलते समय। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तो थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए कह दिया जाएगा हैव सम रेस्ट दो, हैव सम रेस्ट दो, इसका मतलब है फिर भी थोड़ा आराम कर लिया करो, गेटिंग माय पॉइंट। अब इसी चीज को एक सेंटेंस में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस सेंटेंस को आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, हर दूसरे दिन धुलाई किया करो। अब पूरी सिचुएशन आपने समझ ली है, धुलाई में लगी रहती हो, मोटी होती जा रही हो, अंदर से कमजोर हो रही हो, वैसे सेहतमंद लग रही हो, हर दूसरे दिन धुलाई किया करो, आपको कहना है हर दूसरे दिन धुलाई किया करो, इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में जरूर लिखिएगा, हर कमेंट को पढ़ते हैं हम, आपका सेंटेंस ठीक होगा आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। और एक और चीज़ है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप का बहुत बड़ा फायदा होगा, होता क्या है कि मान के चलिए आप वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो देखते समय कोई माइंड में आपके क्वेश्चन आया या इसके बेसिस पे आपने कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करी, तो जब आप कमेंट करते हैं ना तो हमारे को एक बैच दिखता है कि हाँ भाई हमारे मेंबर का कमेंट है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो एक तरीके का ये एक पेड सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी आपके कन्फ्यूजन है हम यूट्यूब के थ्रू भी क्लियर करते रहेंगे। और इस सेशन के बारे में अगर आपके पास में कोई सजेशन हो, हमारे लिए कोई फीडबैक हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।